कौन है? हैप्पी जन्माष्टमी बोलो। लास्ट ईयर जन्माष्टमी में ये छोटा था बट अब ये बड़ा हो गया और सब खींच रहा है कि मैं खोल दूंगा। बहुत मुश्किल से हमने इसको पहना के रखा है, किसी भी वक्त ये खोल मतलब खोल सकता है। पहले हमने इसका अब 3 वीडियो रिकॉर्ड करने हैं, एक तो अपने मेरे चैनल के लिए, एक मेरे बेटी के चैनल के लिए, एक उसके चैनल के लिए, और हाँ एक और भी है उसके पापा के व्हाट्सएप स्टेटस के लिए भी हम करते हैं। हैप्पी जन्माष्टमी सीनू। खीर बन रही है, पूरी खाते वक्त करेंगे। ये सेवई का खीर है, अभी मैं ये बना देती हूँ। पानी ज़्यादा नहीं है इसमें? नहीं, ये दूध है, मैंने दूध दिया, थोड़ा सा पानी दिया क्योंकि ये ना फिर मतलब पूरा ठीक हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, ये जब तक होगा मतलब ठीक इसकी कंसिस्टेंसी आ गई होगी। ओके, यू आर एक्सपर्ट, यू नो बेटर। और ये आज, सॉरी, आज मेरा मतलब आउटफिट यही है, साड़ी, और ये एक नया साड़ी था, मेरी मौसी ने मुझे दिया था कॉटन में, और तो मौसी अगर ब्लॉग देख रही हो तो मैंने पहन लिया, मौसी ने बोला था तो पहन लेना, बट मैं नॉर्मली ज़्यादा साड़ी नहीं पहनती हूँ, बट आज जन्माष्टमी है तो मतलब फेस्टिवल के दिन तो बनता ही है साड़ी पहनना, तो मैंने ये पहन लिया। के लिए प्रसाद बना रही हूँ, कद्दूकस किया हुआ नारियल और उसमें गुड़ डाला, थोड़ी सी इलायची और जो काली मिर्च उसका पाउडर करके, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच में चलाते रहेंगे, और जैसे इसका कलर ब्राउन हो जाए ना फिर फ्लेम ऑफ करके गरम, जैसे वो गरम हो, ठंडा ना हो, और उसी में ही लड्डू बना लेना है। तो यही लड्डू मैं भोग चढ़ाऊंगी भगवान जी को। हाँ, उसके पापा मिठाई भी लाए थे बट ये वाला बनता ही है, तो ये हमारे यहाँ ये वाला लड्डू बनता है, तो फिर मैं यही बना रही थी लड्डू भगवान जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए। Thank you.
तो पूजा डन और अभी फोटो सेशन चल रहा है, कृष्णा जी का फोटो सेशन। कृष्णा जी का फोटो ले रहे हैं और पसीना देखिए, लेकिन बहुत अच्छा लगा ना पूजा करके। और हाँ, जो आरती किया ना हमने भगवान जी का, वो हमने टीवी में लगा दिया था, बट क्योंकि मुझे पूरा नहीं आती है आरती, तो हो गया। बहुत अच्छे से हमारी पूजा हो गई और आपने सारा कुछ देख लिया होगा, तो मैं भी दिखाती हूँ आपको। देखिए फोटो भगवान जी का, अभी प्रसाद खाएंगे, पंचामृत लेंगे, सारा कुछ कितने अच्छे से हो गया, बहुत अच्छा लगा ना बेटू। स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज भगवान जी। अच्छा अच्छा पोज दो। यह हमारा सेकंड ईयर है लड्डू गोपाल जी का घर पे पूजा, और इतनी अच्छी लग रही है, एकदम से भगवान जी घर पे आए, एकदम से खुशखबरी दी कि हमारा लड्डू गोपाल आ रहा है, और एकदम से भगवान जी आ गए। और भी दो साल से कंटिन्यूअसली हम पूजा कर रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए अभी प्रसाद खाते हो, और जब मैं फिर मेरी भी पूरियाँ चल रही हैं, सिर्फ पूरियाँ तलना बाकी है, बाकी सारा हो गया, और थोड़ा सा ले लो। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अभी हम नीचे आए हैं और हमारे सोसाइटी में अभी पूजा हो रही है, मतलब सेलिब्रेशन, तो मैंने घर में पूजा ख़त्म किया, अभी हम आ रहे हैं तो नीचे, तो जब पास में जाऊँ तो मैं थोड़ा सा उसका रिकॉर्डिंग कर लूँगी, देख लेंगे। और अभी थोड़ा सा अंधेरा, लाइट नहीं है इधर, बंद करे, पता नहीं क्यों बंद करके रखे हैं। और तो चलिए अभी चलते हैं और वहाँ की मैं आपको पूजा दिखा। चेंज कर लिया क्योंकि मैं इतना देर पहन के नहीं रह सकती, गर्मी भी लग रही है। पूजा खत्म, थोड़ा सा नीचे से आगे चेंज कर लिया, और अभी पूरियां बनाना बाकी थी। अब तो प्रोग्राम चलेगा क्योंकि कृष्ण जी जन्म होंगे, फिर वो प्रसाद पंचामृत सारा कुछ, प्रसाद मंडे का बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, बट कृष्ण जी पता है थक भी जाते हैं और बेबी भी परेशान करते हैं। और ऑलरेडी हम जब नीचे जा रहे थे 10 बज रहे थे ना, नहीं अब भी 10:30 हो रहे, जब जा रहे थे हम 10 बज रहे थे, तो फिर हम इसलिए 10 मिनट ही रुके, फिर आ गए थोड़ा सा देख के, क्योंकि बच्चों का परफॉर्मेंस, बड़ों का सॉन्ग ये सब चल रहा था, बड़े भी पार्टिसिपेट किए थे। तो क्योंकि मुझे आपको एक चीज़ दिखानी है, पूरियाँ तलने के लिए जो कि लगे पड़े हैं, नहीं मेरे पति मुझे बहुत हेल्प करते हैं, तो इतने सारे पूरियाँ उन्होंने रेडी कर दी। हाँ, हुआ समझा क्या? नहीं पानी आ रहा है। और देखिए गौर से इस हलवाई को, अपने काम में व्यस्त एंड व्यस्त। अच्छा लगता है ना, बाहर के दिन सब मिलजुल के काम करते हैं। तो ये इनको पूरियां तलने दीजिए, मुझे थोड़ा सा बर्तन साफ करना है, मैं कर लूँ, क्योंकि फिर नए बर्तन भी आ जाएंगे साफ करने के लिए खाते, फिर उसके बाद खाना साफ करेंगे और फिर से पूरी वाइन करेंगे। हमारा थाली है आज का, और पूरी चना दाल की सब्जी, सेवैया का खीर, हम ऐसा ठीक वाला थोड़ा खाते, गुलाब जामुन एंड प्रसाद। और इसको देखिए, ये अपना खुद डिप करके सब्जी में पापा के साथ खा रहे, उसका मुंह देखिए, दिखाना मुंह, दिखाना इधर देखो और मुंह से खत्म होने दे, खत्म हो, उल्टी आ जाएगी उसको, उल्टी आ जाएगी, मत दो तो निकालो, उसके मुंह से निकालो, निकल वो उल्टी आ जाएगी। खाने
नहीं दो, उल्टी कम नहीं दो, खाओ संभालने दो उसको। अरे और हला अरे खत्म तो करो मुझसे, नहीं और मत दे मत दे मत दे, सो खाने दो उसको, खा ले बेटा पहले फिनिश कर ले ठीक है। नहीं खत्म नहीं हुआ उसका, आ दिखाना आ, नहीं और थोड़ा सा खत्म कर ले, मेरा बाबू खाएगा मिठाई खाएगा, मम्मा मिठाई लाई है सिनू के लिए। हाँ ये इधर है सिनू का मिठाई। वीडियो एंड करें तो खाना कैसा लगा सबको? रुक जा, बहुत अच्छा। तो पहले तो वीडियो यही एंड करेगा, सिनू बाय कर देना, गुड नाइट बोल दे, हैप्पी जन्माष्टमी। इधर बोल दो, इधर बोलो, बोलो जय श्री कृष्णा, उधर बोलो जय श्री, गुड। तो अभी वीडियो यहीं एंड करते हैं, अभी डिनर करेंगे और आज ना 11 बज गए डिनर करते करते, जो त्यौहार त्यौहार नहीं लगता, थोड़ा सा लेट होना चाहिए। और बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया, मतलब सब कुछ हमने, हमको अच्छा लगा हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन फैमिली का। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको आज का हमारा ये सेलिब्रेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप वीडियो को सॉरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए एंड अच्छे अच्छे कॉमेंट्स दिया कीजिए, और तो मुझे ना अच्छा लगेगा आपके लिए वीडियो बनाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, सिनो जय श्री कृष्ण, बाय बाय।